उनका एक ही सपना था, एक ही संकल्प था कि मुझे अपनी अमेठी को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने अमेठी में जनसेवा और विकास की लहर पैदा कर दी। मगर आज से 4 साल पहले दुर्भाग्यवश ये सिलसिला थम सा गया। वक्त बदला, निजाम बदले और अमेठी के प्रति जो उनका सपना था, जो संकल्प था, वो अधूरा रह गया। और देखते ही देखते 4-5 वर्षों में अपमान, असुरक्षा, अपराध, आतंक, अराजकता, अन्याय, अत्याचार, अनीति और अधर्म का सैलाब सा आ गया। अब उनके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो अपने इस संकल्प को, अपने इस इरादे को अधूरा छोड़ दे, या अपना जो संकल्प था जिस पर उन्होंने फोकस किया हुआ था उस पर दृढ़ रहे, उसे पकड़ कर रखे। तो उन्होंने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, उन्होंने फोकस किया उस पर जो उनके पास था। अब क्या था उनके पास? जन जन का प्यार और विश्वास। अमेठी की बदहाली से व्यथित होकर कुछ समय बाद वे फिर मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ अपने कर्तव्यों को, अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ वापस आए। ऐसा लगा हार उनके लिए है ही नहीं। लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, ये होता है जज्बा, ये होते हैं संकल्प। सब कुछ भुलाकर आप यहाँ पर आए हमको देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ पर आपका हौसला बढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं अपनी अमेठी को शिक्षित, सुरक्षित, संरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए आई हूँ। हो जाओ तैयार, वक्त फिर से करवट बदलने वाला है। आने वाला वक्त हमारा होगा, हम सबका होगा।